टाइप करने के बजाय पियानो क्यों बजा रही है? पियानो ही पासवर्ड होगा। हाँ मैं भूल गई डैडी, आई मीन प्रोसेस में भूल गई, आपको भी पता नहीं। मुझे कैसे पता होगा? ये क्या कह रहा है यार, तूने तो इन्वेस्ट किया था। अब वो बहुत साल गुजर गए ना, इसलिए भूल गया। तो फिर आप बताइए ना डैडी। ये भुलक्कड़ है, इन्हें यादें अनु ही बता सकती है। हाँ। अनु कैसे बता सकती है? अर्चना अनु, अनु अर्चना दोनों ही मेरे बच्चे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। ए मिस्टर 2x2 कॉल अर्चना प्लीज। कॉल अर्चना, मैं बुलाऊंगा। ओके कॉल अर्चना, कॉलिंग जस्ट कॉलिंग। क्या करूं, मेरा तो बैड लक ही खराब है। टोटल अमाउंट कितना है? हिंदी में बोलो। 9206 करोड़। डैडी डैडी। क्या है बेटा? शॉपिंग के लिए जाना। हाँ, है घर में इतने मेहमान आए, इन्हें छोड़कर शॉपिंग में कैसे जाएं? इन्हें भी अपने साथ ले चलते हैं। हाँ डैडी मैं भी जाऊंगी। डैडी डैडी मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है, प्लीज प्लीज। वो तुमसे नहीं मुझसे कह रही है। आजा बेटी मेरे पास आजा, मैं शॉपिंग करवाता हूँ। पूर्णिमा कॉलेज के नाम से अपने बाप को उल्लू बनाती है और यहाँ आती है। अभी देखता हूँ। सर बिल सर। हाँ भैया 10 करोड़। इतना ही ना? भैया कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। थैंक्स। बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, एक अंगूठी में ही पिघल गया है ये। पूर्णिमा टैक्सी इधर। ये भी सदाशिव है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक जैसे दो इंसान हो सकते हैं लेकिन एक जैसे दो पार्टी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, रैक में रैक में। पूर्णा इधर आ जाओ। आंटी आप तैयार हो? अंकल जी, अंकल जी फैन चलाओ, फैन चलाओ। हाँ वो फैन चलता नहीं है। ये फैन नहीं यार, वो वाला फैन। अन्या क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। मैं तुमको सब सच बताता हूँ मैन। ये है मैटर। मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, तुमने डबल रोल देखा है? एज इट इज। अब देखो तुम जैसे पूर्णा समझते हो वो पूर्णा नहीं है, अनु पूर्णा है, पूर्णा अनु है। तो अनु कौन है? पूर्णा। पूर्णिमा तो पूर्णिमा है ना। वो पूर्णिमा अलग, ये पूर्णिमा अलग, ये अनु है। ओह माय गॉड, वो सदाशिव एक नंबर का पागल है, एक नंबर का चीटर है ना यार। तुम तो ब्रिलियंट हो। पूर्णिमा से मिलना है, कैसे मिलूं बताओ ना। इस सिचुएशन में ये काम जरा मुश्किल है, अगर मिलना इतना ही जरूरी है तो मैं कोशिश करूंगा। चलो। वहां मिलेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? तो मैं फिल्म इम्पोर्टेंट है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है? पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है। तो फिर तुम सच में मिला दोगे ना? मेरे दादा के कहने पर आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ अंकल। क्यों, वो खुद नहीं आ सकते थे? वो तो यहाँ पर आ सकते थे लेकिन वहाँ का कारोबार उन्हें संभालना है। करेक्ट है। ये जोकर कौन है अंकल? ये मेरा राइट हैंड है।
राइट हैंड का इंट्रोडक्शन लेफ्ट हैंड से। ए, मैंने भी यही पूछा था। बीच में मत बोल। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। इसका नाम गौतम है, सिद्धू का फ्रेंड। ये इटली से आया है, जानते हो किस लिए? रिश्ता जोड़ने, सुनंदा को देखने आया है। ओहो, इतने बीमार और एक अनार। हमारी बेटी की क्या किस्मत है, सारे रिश्ते विदेश से ही आ रहे हैं। उस संदीप के कहने पर आप इसका रिश्ता जोड़ रहे हैं। सही बात है यार, ये तेरे जहन में कैसे आई? कैसे नहीं आती, पूरी फिल्म तो मैं ही लिख रहा हूँ। ये बता, तेरे भाई परम शिव को क्यों नहीं बुलाया? वही यार, बिना काम के इधर उधर के लोगों को टोपी पहनाता था, जिसने यहाँ टैक्सी भी तेरे पैसे से ली थी। कहाँ है वो? वो परम शिवा मैं ही हूँ, और वो टोपी बाज दलाल भी मैं ही हूँ। ओह, तो ये कॉमेडियन फिल्म का विलन है? सब कुछ मैं ही हूँ, पैसे मुझे ही भेजे गए थे। तुम गौर से देखो, इसकी शक्ल पर ही चोर लिखा हुआ है। डैडी 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 हर जगह डैडी 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 तेनू मैं लव करदा। बाकी सब कहाँ गए? मंदिर गए हैं मालिक। तेरा प्यार दो नावों में सवार है, अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ? तुझे समझ में नहीं आ रही है ना, मैं बताता हूँ, उसे एज इट इज फॉलो करो। डैडी आ गए। डैडी, ये लोग कौन है? पहचाना नहीं भाई, ये ओल्ड एज होम वाले हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, मालिक आप हमारे देवता, आप हमारे देवता हैं, क्योंकि हमें सड़क से उठाकर आपने हमें नई जिंदगी दी है। मालिक, हमें बिटिया रानी के दर्शन करवा दीजिए। बड़ी बात क्या है, कभी भी मिलवा सकता हूँ। अभी भी बाहर गई, अब सीएम से मिलने गई। फिर कभी नहीं। हमें उनसे आज ही मिलना है। उनके आने तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, यही इंतजार करो, आराम से बैठे रहो। हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक भी नजर नहीं होना चाहिए। डैडी, आप तो साफ साफ झूठ बोल देते हैं। सच बताइए डैडी, आप ही हो ना, मतलब मेरे डैडी हो ना? हाँ, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई? ये सब पॉलिटिक्स है बेटा, चलो अंदर जाओ। हाँ चली जाओ, जाओ, जाओ। यहाँ से ही नहीं, मैं इंडिया से चली जाऊंगी। नहीं, नहीं बेटा, ऐसे बात मत करो, मेरी बात तो सुनो। अरे दामाद जी, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बताएंगे मैं बताऊंगा, ये क्या बताएंगे मैं बताऊंगा। आपने हमारे लिए जो ओल्ड एज होम बनाया है, उसे तोड़कर हॉस्पिटल के नाम पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया। कोई बहाना नहीं चलेगा, जिनके साथ तुमने इंसाफ नहीं किया वो लोग आज यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सच है। ये सच है कि उसे गिराया गया है, और ये भी सच है कि वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया है। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया गया? आपके लिए, आपके लिए, आप सबके लिए, आपकी बेटी के नाम के लिए। इन गरीबों से इनकी जगह लेकर इनसे बेहतर जिंदगी का वादा करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है, ताकि इन्हें वहाँ बसा सके। दामाद जी, तुमने इन गरीबों के बारे में इतना अच्छा सोचा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूल्हे राजा जिंदाबाद। ये कौन बोला बे? एक बार सामने तो आजा, दूल्हे राजा मैं तुझे बना।
रहते हमारे नायक एमएलए सदाशिव जी जनता की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने गरीब जनता की भलाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए और एक अहम कदम उठाकर लोगों के दिलों में प्यार की मूर्ति बनकर बस गए हैं। आज उन्हीं की ससुरी के हाथों से भव्य इमारत का उद्घाटन किया गया है। अंकल, एप्पल से आपके लिए मेल आया है। कपल ऑफ आवर्स में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या हुआ भैया, आप इतनी खुशी से नाच क्यों रहे हैं? पैसा पूरा डूब गया। तो आपको दुखी होना चाहिए, आप नाच क्यों रहे हैं? मैंने गांव वालों का दिल जीत लिया, पूरा पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफर करवा दिया, पूरा पैसा डूब गया। अमेरिका, एप्पल, कपल ऑफ आवर्स, प्रोसेस स्टार्ट। ये संदीप कोई मामूली लड़का नहीं है, सबका गुरु निकला ही है। Tell me, who am I? Jackson, Michael Jackson. हाँ, Jackson लगा तुझे? हाँ, ये ले। मेरे यार सदाशिव। ये कौन? यार नहीं यार। भूषण है ये। भूषण है। ये तू पहचानना, अरे राम अवतार जी है ये। ओ, इसके कान काफी बड़े हो गए ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। तुमसे कुछ सीरियस मैटर पर डिस्कशन करना है। चलो हम कोपचे में चलकर बात करते हैं। ओके, बहुत सीरियस मैटर है। चलो चलो चलो। 15 इयर्स सब कुछ गवा दिया। We lost our lives in Texas jail. जेल में। अगड़न बैचलर मैच पा 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 पा। अगड़न बैचलर मैच है। ये सब क्या हो रहा है? FBI किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। तुम देखना, मुझे अपना भागीदार बनाकर 50% 2900 crores मुझ पर दावा ठोक सकते हैं अगर नहीं दिया तो। इधर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। ले ले यार, मैं दूसरा बॉल ले लूंगा। तू तो बिल्कुल सीरियस हो गया, मैं तो जोक कर रहा था यार। क्यों, किस लिए? ये सारे सवाल मत करना, जो बात मैं पूछूंगा उसके जवाब देना। ठीक है, पूछ। प्रॉमिस। कॉलगेट। कॉलगेट। चल चल चल, ठीक है पूछ। सच बता, वो कौन है? बुसु तुसु। तुसु नहीं यार, उसको मैं जानता हूँ। उसके साथ जो है वो कौन है? अरे US में वो तेरा कलिक था यार। मेरा कर? ओ ऐसा है, मुझे पूरा याद क्यों नहीं आ रहा। दिन भर प्रैक्टिस करके रात में तेरे साथ रिसर्च करता था, भूल गया? मैं रिसर्च? कैसी रिसर्च? वही यार, सिंड्रोम सिलिकॉन वैक्सीन का। उस फॉर्मूला पर केस हो गया था तो तू FBI के डर से इंडिया भाग कर आ गया। उसके बाद वैक्सीन का बुरा रिएक्शन हो गया, उससे कितनी जानें गई। US के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। जो जीना चाहते थे वो मर गए और तू मरकर भी बच गया। लगता है मेरे भाई की वजह से जितने लोगों का मर्डर हुआ है वो भी मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। हेलो लॉयर बत्रा जी। yes? मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ पूछिए। US से मेरा एक फ्रेंड किसी मर्डर केस में FBI से जान बचाकर मेरे पास आया हुआ है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? वो केस अगर आपके दोस्त का है तो आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अगर मैटर FBI का है तो CMPM तो छोड़ो, प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हेलो। क्या यार सदा, मानता हूँ तेरे पास बहुत पावर है, तो क्या तू पब्लिक के साथ ऐसा करेगा? मैंने क्या किया? दिल्ली से शर्मा जी आकर बैठे और डिसाइड किया है कि तुझे पार्टी से सस्पेंड कर देंगे। उसकी चापलूसी में तुम लोग कभी ना आओ। हाँ सदा, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी ही बात चल रही है, सारे मीडिया वाले बस तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से पार्टी का फाउंडेशन हिल गया है। सुनिए सदाशिव जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या? ठीक नहीं किया मैंने ठीक नहीं किया। अरे हट, तुम सब लोग दूध के धुले हो और मैं गटर का कीड़ा हूँ? क्या किसी का फाइनेंस लूट कर खाया है जो मुझे सस्पेंड कर दोगे? करना है तो करो, अब मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा। चल कर, ये सदाशिव क्या कर सकता है दिखा दूंगा। बड़े भाई, सदाशिव तो गया, पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया। भाई यहाँ पब्लिक उसके खिलाफ नारे लगा रही है। भाई मुझे और क्या करना है बोलो। भवानी को फोन किया था। अरे भाई सॉरी भाई, काम के चक्कर में भूल गया था भाई। वो काम तो बिना बताए ही हो गया। अच्छा तूने कुछ खाया नहीं है ना? मेरे भूख के बारे में अभी ख्याल आया। कोई बात नहीं, घर पे आ जाओ क्या।